गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, दिस इज द वैल्यू 1/5 रेज टू द पावर 2000। जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस, जो यहाँ पे जो आएगा यूनिट प्लेस उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पहले ये दिमाग में रहे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, 1/5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करो 1/5 का, क्योंकि हम लोग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला है। तो 1/5 करोगे, डेस 0.02 जो 10, रिमाइंडर 0, सो 0.2 रेज टू द पावर 2000, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक पावर ले लो अंदर, तो 2 रेज टू द पावर 200 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया ना कैसे होगा, क्योंकि यह 2 रेज पावर 2000 था तो हमने एक क्रॉस 10 लिख लिया ये घटा के, ठीक है। तो 0.2 में जब क्रॉस 10, जब एक जीरो लगाओगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, 2 रेज पावर 10, ठीक है। ऐसे ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग के पास ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे हम लोग ने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो 2 का पावर देखो हम लोग के पास कितने कॉन्सिक्वेंसेज बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 रेज पावर 1 2, 2 रेज पावर 2 4, 2 रेज पावर 3, हम लोग यूनिट्स प्लेस लिख रहे हैं, ठीक है, 2 4 8, 2 रेज पावर 4 इक्वल टू 6, ठीक है। अब फिर करोगे 2 रेज पावर 5, तो 6 2 12, 12 यूनिट प्लेस 2, तो फिर 2 आ गया, ठीक। तो फिर यहाँ से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने बन रहे पेयर्स, 4, तो 200 को डिवाइड करो 4 से, ठीक है। हम लोग देखना चाहते हैं कि 4 के 200 से कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। 50 जो 200, 0 आया, मतलब 50 पेयर्स बनेंगे। और हम लोग लास्ट पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 50, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब इसका मतलब हुआ कि 200 के 4 पेयर बनेंगे, 4 के 50 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा हम लोग का पेयर में, 6 है ना वैल्यू, ठीक है। तो इसका यूनिट स्पेस क्या हो जाएगा इसी क्वेश्चन का, 6। ठीक है,